अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का ज़ीब्रा केक विदाउट अवन और ब्लेंडर में बनाना सिखाएंगे हम आपको। बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। अंडे लिए हमने 4 अदद, रूम टेम्परेचर पर अंडे होने चाहिए, फ्रिज के अंडे हम यूज़ नहीं करेंगे। आधा कप हमने शुगर लिया है, आधा कप हमने ऑयल लिया है, आप चाहें तो इसे बटर में, घी में बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून हमने लाइट वाला कोको पाउडर लिया है और 2 टेबलस्पून हमने डार्क कोको पाउडर लिया है। आप चाहें तो एक ही ले सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर दोनों थे तो मैंने दोनों यूज़ किए हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, 1 कप हमने लिया है मैदा और ये जो है इसी कप के हिसाब से हमने जो है वो शुगर और ऑयल को यूज़ किया है, आधा आधा कप, ये कप के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये जो है वो एक प्याली के बराबर है, लेकिन जो हमने लिया है इसी कप के हिसाब से जो है वो आधा कप चीनी और आधा कप ऑयल यूज़ किया है। तो ये है सारे इंग्रेडिएंट्स, जो आइए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक ब्लेंडर लिया है, इसमें हम अंडे डाल देंगे और अंडों को हमने 5 मिनट के लिए जो है वो ब्लेंड करना है अच्छे से। जब ये खूब क्रीमी से हो जाएंगे तो हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। चीनी और अंडों को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है वो वनीला एसेंस डालेंगे, 2 टेबल स्पून मिल्क डालेंगे, ऑयल डालेंगे और ये सब डालने के बाद हम इसे अच्छे से दोबारा से ब्लेंड करेंगे ताकि ये खूब क्रीमी सा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे फोल्ड करते जाएंगे। आपने एकदम से सारा मैदा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे फोल्ड करते जाएंगे। क्लॉक वाइज हमने इसे फोल्ड करना है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसे फोल्ड करना है थोड़ा थोड़ा डाल के। मैदे को हमने अच्छे से छान लिया था, आप चाहें तो मैदा और बेकिंग पाउडर दोनों को छान के रख सकते हैं। यहाँ पर हमने सारा मैदा डाल लिया और अच्छे से हम इसे फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे इसे। तो लीजिए यहाँ पर बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्से में हम जो है वो कोको पाउडर ऐड करेंगे। कोको पाउडर को हमने अच्छे से छान लिया था, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप इसे ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं, बहुत मज़े का होगा। तो वनीला भी हमारा रेडी है और चॉकलेट भी। यहाँ पर हमने बेकिंग ट्रे लिया है और इसे हमने बटर पेपर से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें जो है वो 1 स्पून जो है वो भर भर के डालते जाएंगे। आपकी मर्ज़ी, आप पहले वनीला डालना चाहते हैं या चॉकलेट, जो भी है। और इस तरह से हम इसके ऊपर जो है वो चॉकलेट फ्लेवर डालेंगे। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह से आप एक दूसरे के ऊपर डालते जाएँ और जो है वो लाइनें जो है वो ज़ीब्रा की वो बनती जाएंगी खुद ब खुद। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ़ एक दूसरे के ऊपर डालते जाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप बनाएं, तो बच्चों को इंजॉय करवाएं, बनाएं। और बच्चों को तो बहुत ही इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अट्रैक्ट करती हैं, तो आप बच्चों को बना के इस तरह से दे सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर केक हमारा रेडी है बेक होने के लिए। अब हम टूथपिक की मदद से जो है वो इसको फ्लावर का शेप देंगे ऊपर से। आप चाहे तो ऐसे भी रहने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी अच्छा लगेगा, लेकिन आप ज़रा जो है वो खूबसूरती के लिए आप इस तरह से टूथपिक की मदद से आप थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
पीले को हमने प्रीहीट कर लिया है। यहाँ पर हमने एक कटर रखा है और अब हम इसमें जो है वो केक कट के तो इसे बेक होने देंगे। 35 से 40 मिनट लगेंगे इसे बेक होने में और ये रेडी हो जाएगा। तो लीजिए यहाँ पर केक जो है वो हमारा रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी लुक आई है, ऊपर से कलर भी बहुत अच्छा है। और इस तरह से टूथपिक से हमने चेक भी कर लिया है, बिल्कुल साफ़ है टूथपिक, तो हमारा केक रेडी है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ढेर सारा। तो मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।